सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी है ना सुबह के 5:30 बज चुके हैं और आज है 15 अगस्त। तो हमें निकलना है फ्लैग होस्टिंग के लिए, तो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं अपन फ्लैग होस्टिंग के लिए। भाई बाहर ना बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। सो भाई फाइनली रेडी हो चुके हैं, सबसे पहले गेट ओपन करते हैं। सो गाइस, गाड़ी निकालने से पहले ना हमें गाड़ी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, वो बारिश से बचने के लिए गाड़ी के नीचे आके बैठ जाते हैं। हालांकि अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग में पार्क है, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि ये स्ट्रीट डॉग्स गेट क्रॉस करके अंदर आ जाते हैं, तो चेक कर लेना बेटर होता है। भाई ये जो डिवाइडर है ना, कल तक यहाँ पे बहुत सारे बलून्स लगाए हुए थे। ये देखो, ये दिख रहा भी होगा आपको, ये खंबे पे ऐसे बहुत सारे बलून्स लगाए हुए थे, लेकिन एक दिन में ही सारे बलून गायब। काव्य रत्नावली चौक, यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में, हर फेस्टिवल में ये कुछ ना कुछ करते हैं। तो देखो आज ऐसा किया हुआ ये लोगों ने, मस्त लग रहा है भाई, अलग ही फील आता है। तो भाई 15 अगस्त का जो दिन है ना, ये हम सब इंडियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत मायने रखता है भाई, क्योंकि इसी दिन हमको आज़ादी मिली थी 1947 में। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तब सबसे पहला फ्लैग होस्टिंग हुआ था रेड फोर्ट पे, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ना जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। अभी है ना एक कैंपेन शुरू था, हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया हुआ था, हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो हर घर तिरंगा के अंडर क्या था ना, कि हर सिटीजन है ना अपने घर पे फ्लैग होस्ट कर सकता है 3 दिन, 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन। तो इस बार भी ये कैंपेन शुरू था भाई, आज़ादी का अमृत महोत्सव, देखो हर जगह पे तिरंगा लगे। ये देखो भाई, ये कितना बड़ा झंडा है यहाँ पे। भाई सच बताऊँ ना, आज फील नहीं आ रहा है यार, मतलब हर इंडिपेंडेंस डे पे आदत हो चुकी है ना हम लोगों को, मतलब रास्ते पे बहुत सारे बच्चे दिखते हैं, सबके हाथ में फ्लैग होता है और वो एक रैली निकालते हैं स्कूल के बच्चे, लेकिन आज बारिश की वजह से रैली भी नहीं है। जो डिवाइडर पे जो डेकोरेशन करते थे ना ये लोग, वो भी नहीं किया हुआ है अभी तक, अभी तक मतलब अभी क्या करेंगे भाई, अभी तो चांस ही नहीं है ना। हमें यहाँ से अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, 7:30 का टाइम है फ्लैग होस्टिंग का। और मैंने बताया था कि मेरे जो कलीग अजय सतपाल सर, वो आने वाले, उनको पिक करना है, तो वो यहाँ पे आएंगे, अपनी बाइक यहाँ पे पार्क करेंगे और उनके साथ में हम निकलते हैं थोड़ी देर में। तो हमारे गांव में 4 जगह पे फ्लैग होस्टिंग होता है भाई, और हर फ्लैग होस्टिंग हमें अटेंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले होता है एक जिला परिषद का जो स्कूल है ना, वहाँ पे होता है, उसके बाद में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो कि अपना प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे होता है, और उसके बाद में होता है ग्राम पंचायत का फ्लैग होस्टिंग, और उसके बाद में होता है एक स्कूल है उसका होता है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू सर। हमारे चौधरी सिस्टर, सारे लोग आ चुके हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए। और है ना इसके बाजू में, ये यहाँ से जो रास्ता दिख रहा है ना ये वाला, इसके बाजू में ये जो क्वार्टर्स दिख रहे हैं ना, इसके पीछे के साइड में ही है ना स्कूल है, वहाँ पे भी फर्स्ट वाला फ्लैग होस्टिंग होता है। तो सबसे पहले हमें वो अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद में फिर अपन अपना फ्लैग होस्ट करेंगे। भाई अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई आए ना आए, ये जो घोड़ा है ना ये हमेशा आता है, क्योंकि इसे पूरे गाँव में इधर ही घास दिखती है। सो भाई ये है अपना कैबिन, जहाँ पे हम पेशेंट चेक करते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था ना, अपने यहाँ पे 4 जगह पे फ्लैग होस्ट होता है, तो ये फर्स्ट फ्लैग होस्ट है भाई। यहाँ पे फील आ रहा है इंडिपेंडेंस डे का, देखो मैं आपको पीछे बताता हूँ।
तो गाइस फाइनली अपना जो फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग था अपने गांव का वो यहाँ पे हो चुका है। अभी जो सेकंड फ्लैग होस्टिंग होगा वो अपना पीएससी सेंटर का होगा। तो अभी अपन जा रहे हैं उधर। तो गाइस अपन है ना अभी अपने पीएससी सेंटर में आ चुके हैं, अभी यहाँ का फ्लैग होस्ट होगा। तो भाई ऐसा कुछ रास्ता है टेरेस पे जाने के लिए अपना। तो भाई ये है अपने पीएससी सेंटर का टेरेस, ऐसा कुछ है। ओ भाई इन्होंने तो खेत में भी झंडा लगाया, देखो खेत में तिरंगा ले रहा है। वाह यार। तो भाई अपने पीएससी सेंटर का जो फ्लैग होस्ट होता है ना वो यहाँ पे होता है। सारा प्रिपरेशन हो चुका है। ये है हमारे सुनील भाऊ, ये सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। सारे बच्चे यहाँ पे आएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जो अपना ट्रेंड है गांव का सब लोग यहाँ पे आते हैं। तो गाइस फाइनली अपने पीएससी का जो फ्लैग होस्टिंग है ना वो हो चुका है ना। और अभी है ना यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करते और फिर निकलते जो थर्ड फ्लैग होस्टिंग रहेगा वहाँ पे निकलते भाई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप लोगों को नहीं बोलना आता है क्या? बोलो बोलो भारत माता की जय। तो भाई अभी अपन है ना बाइक पे जा रहे ग्राम पंचायत में क्योंकि बारिश बहुत तेज शुरू हो चुकी है यहाँ पे और फ्लैग होस्टिंग अटेंड करना ज़रूरी है। तो गाइस फाइनली ग्राम पंचायत का फ्लैग होस्टिंग हो चुका है जो कि अपने जो उपसरपंच है ना उपसरपंच उन्होंने किया। तो अभी अपना लास्ट फ्लैग होस्टिंग बचा है गाँव का फोर्थ वाला अपने स्कूल वाला। तो वहाँ पे जाते हैं उनका फ्लैग होस्टिंग कवर करते हैं। भाई इतने बारिश में भी है ना लोगों का जो एक्साइटमेंट है फ्लैग होस्टिंग का वो कम नहीं होता है भाई। लास्ट ईयर जितना क्राउड था ना उससे तो ज़्यादा ही क्राउड है ये बार भी। ये अपना स्कूल यहाँ पे अपना फोर्थ फ्लैग होस्ट होने वाला है। और यहाँ पे ना हर फ्लैग होस्टिंग के वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम्स रहते हैं, मतलब रंगोली कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन या फिर बहुत सारे कंपटीशन ये लोग लेते हैं यहाँ पे। लेकिन आज बारिश के वजह से पता नहीं लेंगे या नहीं, लेकिन मोस्टली तो नहीं लेंगे। इयत्ता 10वी मध्ये प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण विद्यार्थ्याचा सत्कार मिळणार आहे। सो गाइस फाइनली जो अपना फोर्थ फ्लैग होस्टिंग था जो स्कूल का था वो मैंने अच्छा खासा कवर किया हुआ है। एक मिनट। ये हमारा किचन है पीएससी का, यहाँ पे हम सब लोग चाय पीते हैं। जब भी टी ब्रेक लेना होता है हम लोग यहाँ पे टी ब्रेक लेते हैं। सो गाइस अपना 15 अगस्त का जो फ्लैग होस्टिंग था वो हो चुका है, अभी अपन घर पे निकलते हैं। तो भाई अभी जलगांव पहुँच चुके हैं अपन। अभी तक बारिश नहीं रुकी है भाई, फिर भी जैसे तैसे लोग गए, सबने फ्लैग होस्ट किया। सो गाइस ये था अपना इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वाला ब्लॉग। अभी जस्ट घर पहुँचे, बारिश ने सुबह से रुकने का नाम नहीं लिया था। ब्लॉगिंग में भी काफ़ी दिक्कतें आई, शूट नहीं कर पाए बहुत सारी चीज़ें और बता भी नहीं पाए बारिश के वजह से। लेकिन फिर भी होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन
बाय 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 करो बाय बाय।